पुलिस हमेशा देर से क्यों पहुंचती है? भाई नेताजी अपने वादे निभाना कब सीखेंगे? गरीब की कमाई कब तक लूटी जाएगी माई बाप? सिनेमा के नाम पर नंगाई कब तक चलेगी? महंगाई का कोई और छोर है कि नहीं? यहाँ तो सही काम के लिए भी घूस देनी पड़ती है, बिना नौकरी की डिग्री किसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में संजीवनी नगर जूडो एकेडमी के खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दम। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर जूडो कोच मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि विगत दिनों जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें संजीवनी नगर जूडो एकेडमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने बताया कि वह विगत 3 वर्षों से जूडो खेल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। भविष्य में यह खिलाड़ी प्रदेश व देश का नेतृत्व कर शहर के नाम गौरवान्वित करेंगे। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बैन की रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? चेतना परिहार। कौन से क्लास की हो? मैं 8th क्लास। अच्छा, अभी आप कौन से कंपटीशन में खेलने गए थे आप? मैं अभी डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में गई थी। क्या प्लेस लगा आपका? क्या प्लेस लगा उसमें? मेरा फर्स्ट प्लेस लगा, गोल्ड मेडल। वेरी गुड, तो स्टेट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ होगा? जी जी सर, मेरे स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ है अभी, जो मैं अभी खेलने जाऊँगी। कब से कर रही है प्रैक्टिस यहाँ पे? मेरा 4-5 ईयर्स। कहाँ पे प्रैक्टिस में जाती हो? संजीवनी नगर मनीषर के पास। मनीषर के पास है। कितने वर्षों से ट्रेनिंग ले रहे हो आप? ये मैं 4 ईयर्स। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप? मैं चौधरी मदर केयर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करती हूं। इस 4 साल में आपने कितने कंपटीशन फेस किए आपने? मैंने 2-3-5 कंपटीशन फेस किए। अच्छा, आपके टीचर का नाम क्या है? मेरे टीचर का नाम मनीष श्रीवास्तव जी है। अच्छा, जूडो खेल आपको कैसा लगता है? जूडो खेल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये महत्व ये देता है मेरे लिए कि अगर मैं पढ़ाई के बाद कुछ भी खेल करूँ तो मैं जूडो खेलूँगी, और जूडो के बिना नहीं खेल सकती। इस 4 साल में आपको मध्य प्रदेश शासन से खेल योजना के अंतर्गत कोई खेल लाभ आपको मिला क्या इसमें? जी, मुझे आवेश सर के एसोसिएशन की तरफ से मुझे बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी मिल चुका है अभी, और गोल्ड मेडल मिला है। बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष श्रीवास्तव है। कौन से क्लास के स्टूडेंट्स हो आप? मैं इस साल 7th क्लास में गया हूँ, 7th में। कब से जूडो कर रहे हो आप? मुझे 4 ईयर्स 3 ईयर्स हो गए हैं जूडो खेलते। वेरी गुड, कहाँ पे ट्रेनिंग करते जूडो, कौन से कहा था आपको? मेरा ट्रेनिंग सेंटर है रॉयल स्कूल संजीवनी नगर घर। मेरे सर का नाम श्री आबेद खान सर और श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव है, जो मेरे पापा हैं। अच्छा, तो आप कितने साल से, 4 साल से कर रहे हो? आपने कौन कौन से कॉम्पिटिशन फेस किए? अभी आपने मेडल आपने टांगे, कहाँ पर आपको मिला ये मेडल? मैं 2 डिस्ट्रिक्ट फेस कर चुका हूँ, 1 2021 में, 1 2022 में, और ये मेडल्स और सर्टिफिकेट्स, ये मेडल डिस्ट्रिक्ट का है और ये सर्टिफिकेट्स मेरे एग्ज़ाम्स के हैं जो मैंने दिए थे। बेल्ट इज ग्रेटिंग, कौन सा बेल्ट मिला आपको? मैं इस बार मैं अभी 3 बेल्ट हुआ हूँ और मुझे एक और एग्ज़ाम देना है, 3 बेल्ट। अच्छा, वेरी गुड। कैसा लगता है जूडो आपको, ये खेल कैसा लगता है? मुझे जूडो खेलना बहुत पसंद है, मैं जूडो के बिना नहीं रह सकता, मेरा जूडो लाइफ का एक अहम हिस्सा है। कुछ मैसेज देना चाहते जो सभी खिलाड़ियों के बारे में, कुछ संदेश देना चाहोगे आप खेल के लिए? जी, आप सभी को जूडो खेलना बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि जूडो से आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। खेलो इंडिया खेलो, अगर आप खेल लेते हैं और उसमें गोल्ड मारेंगे तो आपको 8 ईयर्स तक आपको 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे। वेरी गुड बेटा। मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपके ये जूडो ट्रेनिंग सेंटर में आज हम लोग आए और हमारी पूरी टीम आई, और देखिए बहुत अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ी आपके पास है, छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने खिलाड़ियाँ भी देखे आपको। ये सब बच्चों को आप कब से ट्रेनिंग देते हैं और कितने वर्षों से ये दे रहे हैं आपको उनको? यहाँ पर सर संजीव नगर में 3 साल हो गए यहाँ ट्रेनिंग देते हुए, और अभी मैंने रॉयल भोपाल न्यू क्लास डाली है और बस चालू है क्लास, अभी ट्रेनिंग देते रहेंगे आगे भी, अभी 3 साल हो गए चलाते हुए क्लास में। ये बच्चों को आप कहाँ टूर्नामेंट खिलाने लगे थे, ये मेडल कहाँ का मिला इन बच्चों को?
ये जबलपुर जिला जूडो संघ है, हमारे गुरुजी हैं आबिद खान जी, अभी डिस्ट्रिक्ट हुए थे दो, तो दोनों में बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मारे हैं। और इस साल हमारी चिन्ना परियार ने बढ़िया ग्वालियर जाके -36 kg में ब्रॉन्ज मेडल मारा है सब जूनियर में। और मैं चाहूँगा कि ये नेशनल तक आगे जाए, और मेरा बेटा है इसको भी मैं चाहूँगा कि नेशनल तक, वो सारे बच्चे नेशनल तक जाएं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको कि इनके भविष्य में बहुत सारे बदलाव कर सकूँ और खेलो इंडिया खेले जैसे मंचों में लेके जाऊँ, उनको बड़े से बड़े टूर्नामेंट को फीस कराऊँ। मैं चाहूँगा कि आगे बढ़े बच्चे और मैं इनको ट्रेनिंग हमेशा देता रहूँगा। आपका खेल जो कि मध्य प्रदेश शासन से और इंडियन ओलंपिक से रिकॉग्नाइजेशन है, तो मध्य प्रदेश सरकार से आपने कुछ सुविधा खेल योजना के अंतर्गत जो आपने लाभ नहीं लिया अपने जूडो खिलाड़ी प्रतिभा खिलाड़ियों के लिए और अपने एकेडमी के लिए कुछ? सर अभी तो ऐसे कोई मैसेज नहीं मिला है सर की तरफ से, लेकिन अभी समर कैंप के बाद सब गवर्नमेंट समर कैंप लगने वाला है जिसमें सरकार की तरफ से कुछ बच्चों को ट्रैक सूट वगैरह और टी शर्ट वगैरह दी जाएंगी। मैं सर से चाहूँगा कि वो हमारे यहाँ आएँ और समर कैंप हमें बताएं कब से शुरू होने चाह रहा है, और ये सुविधा उसी से मिलती है समर कैंप से, टी शर्ट वगैरह बच्चों को जो भी प्राइज़ वगैरह जो भी मिलते हैं वो टूर्नामेंट के थ्रू ही मिलते हैं। और अभी जो भी टूर्नामेंट मिलते हैं मुझे तो मैं इनको बताऊँगा और जो भी सुविधा मिलेगी मिलती है। आप जूडो कब से कर रहे हैं? आप जूडो जूडो सर मैं तो बचपन से ही कर रहा हूँ, मुझे 94 से मैंने जूडो 93 से सर जूडो चालू किया। कितने नेशनल हैं आपके? सर मेरे पास तो नेशनल 2 हैं। कौन से बेल्ट हैं आप? मैं ब्राउन बेल्ट हूँ सर अभी। नेशनल में आपका कोई प्लेस था क्या? हाँ सर, मेरा शायद थर्ड प्लेस था।